नमस्कार किसान भाइयों, गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुष्कर। दोस्तों, ये वीडियो आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पेज गांव किसान पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं गेहूं की ऐसी तीन किस्मों के बारे में जिनकी इस साल ज़बरदस्त मांग रही है। कौन कौन सी हैं किस्में बताऊँगा इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप तक सबसे पहले। तो चलिए आपको बताते हैं गेहूँ की वो तीन किस्में जिनकी इस साल काफ़ी मांग रहेगी। देश में गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक और किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार नई किस्में ईजाद की जा रही हैं। इसके बावजूद हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस साल 25 अक्टूबर से गेहूं की बुआई शुरू हो गई है। आज हम आपको गेहूं की ऐसी तीन किस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी से इस साल ज़बरदस्त मांग है। सबसे पहली जो किस्म है करण वंदना, इस किस्म को DBW 127 के नाम से जाना जाता है। इसमें पीला रतुआ और ब्लास्ट जैसी बीमारी लगने की संभावना बेहद कम रहती है। इस किस्म को करनाल के गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। करण वंदना उत्तर पूर्वी भारत के गंगा तटीय क्षेत्र के अनुकूल हैं। इसमें कई पोषक तत्व तो जैसे प्रोटीन, लोहा, जस्ता और खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस किस्म में प्रोटीन तत्व 12% तक होता है, जबकि अन्य किस्मों में प्रोटीन की मात्रा 10-12% तक होती है। बुआई के 77 दिन बाद बालियां निकल आती हैं, वहीं 120 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। गेहूं की इस किस्म में 5-6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 75 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है, वहीं अन्य किस्मों से प्रति हेक्टेयर 65 क्विंटल तक पैदावार होती है। अगली जो किस्म है करण नरेंद्र, इस किस्म को DBW 222 के नाम से जाना जाता है। इसे करनाल के गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया जाता है। यह किस्म किसानों के बीच 2019 में आई है। 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच इसकी बुआई सही रहती है। इसकी रोटी अच्छी गुणवत्ता से बनती है, जबकि दूसरी किस्में में 5-6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है, वहीं इसमें सिर्फ 4 सिंचाइयों की जरूरत होती है। इस तरह इस किस्म की खेती से 20% पानी की बचत होती है। यह किस्म 143 दिन में पक जाती है, वहीं प्रति हेक्टेयर इसमें 65-82 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ली जा सकती है। तीसरी जो आखिरी किस्म है पूसा यशस्वी, इसे HD 3226 के नाम से भी जाना जाता है। गेहूं की यह किस्म उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग, उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग को छोड़कर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अनुकूल है। यह करनाल बंट, फफूंदी और गलन रोग प्रतिरोधी होती है। इसमें प्रोटीन 12.8% तक होता है। पहली सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद की जाती है। इसकी बुआई 5 नवंबर से 25 नवंबर तक उचित मानी जाती है। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 100 किलो बीज की जरूरत पड़ती है, वहीं इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 57.5-79.60 क्विंटल तक ली जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी गेहूँ की तीन ऐसी किस्में जिसकी इस साल काफ़ी मांग रही है। इन तीनों किस्मों के गेहूँ के बीज जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आप तक सबसे पहले। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।